के बिजनौर से है। बिजनौर शहर के मोइन के चौराहे के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान इसमें जल गया। जनपद के लगभग सभी फायर स्टेशन से आग बुझाने के लिए गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर शासन और प्रशासन के साथ नगर पालिका अध्यक्ष भी पहुंचे। आज लगभग 7:30-8 बजे सुबह ये एक इलेक्ट्रिकल की दुकान है मोइन के चौराहे और बुल्ला के चौराहे के बीच में, यहाँ पर आग लगी। संभवतः जो हमारे इंजीनियर ने बताया है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से है, लेकिन इसकी अभी जांच चल रही है कि वजह क्या थी। तुरंत हमारा राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, फायर की टीम, CFO साहब, हमारी नगर पालिका की टीम सब यहाँ मौके पर आए। पिछले 2 घंटे से आग बुझाने का काम चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर से 3rd और 4th फ्लोर तक भी आग पहुँच गई है और मेरे ख्याल से अभी तक 85 से 90% तक आग बुझाई जा चुकी है।